आइए जानते हैं कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फारूक इंजीनियर ने अपना अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान पर खेला। निम्नलिखित में से कहाँ उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मुंबई। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर थ्री, टेरिटोरियल आर्मी का स्थापना कब हुई थी? टेरिटोरियल आर्मी का स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1948। क्वेश्चन नंबर चौथा, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? बीजापुर गोल गुम्बद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य का प्रकाश हम तक कितने अवधि में पहुंचता है बताइए? ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। निम्नलिखित में से मणिपुर का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री मणिपुर का कौन है? ऑप्शन नंबर बी एन बीरेन सिंह। आय सिद्धांत पर किए गए आकलन के अनुसार राष्ट्रीय आय के अनुमान में निम्नलिखित में से किसका गणना नहीं की जाती है? किसकी गणना नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर सी पेंशन। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। प्रारंभिक काल में अकबर का सिपाहशाल कौन था? अकबर का सिपाहशाल कौन था? ऑप्शन नंबर बी बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है बताइए? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम। आज ही मेरा पहला क्लास है, हम यूट्यूब पर पहली बार वीडियो डाले हैं। आइए जानते हैं मैथमेटिक्स में इसका एचसीएफ निकालना है। 54, 228, 88, 360 निकाल लीजिएगा आप लोग एचसीएफ। इसका सही ऑप्शन होगा ए 18। इसका 18 एचसीएफ आएगा। 8, 24, 36, 54 इसका एलसीएम निकालना है। आप लोगों तो एक अच्छा 8, 9 में सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 216। ₹5,200 के धनराशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के धन साधारण ब्याज कितना होगा? इसमें पहले 5,200 × 6% यानी 6% 2 वर्षों 24 गुने करने पर ये भाग करेंगे तो आएगा कितना? 624। ऑप्शन नंबर डी। ₹1,200 के धनराशि पर 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? इसमें ब्याज बताना है, तीन वर्ष बाद कितनी हो जाएगी?
बताइए कितनी हो गई। 1200 × 12 अपॉन विफ 100, 0 0 कैंसिल, अगुना करने पर आ जाएगा 1380 रुपये जो बचा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए ₹2100 के धनराशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये आप लोग लगाइएगा। ऑप्शन नंबर कमेंट बता दीजिएगा कमेंट में कितना होगा। यदि कैंडल को इतना लिखा जाता है तो फ्लेम्स को क्या लिखा जाएगा, कैंडल को इतना लिखा जाता है तो फ्लेम को क्या लिखें, इसमें पहले सी, ये 2+ हुआ, 2+, उसके बाद 2-, ये से पीछे बैक जाना पड़ेगा तो 2- करेंगे तो आ ही आएगा 2-, ऐसे किया 2+ 2-, 2+ 2-, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। प्रश्न चिन्हों के उचित विकल्प से पूरा कीजिए, इसमें क्या करिए करना पड़ेगा, इसमें इसमें पता ही चल जा रहा है 2×9 ये पहले में हुआ है, 2×9 18 हुआ है, 6×5 30, 6×5 तो इसमें देखते हैं, ये नीचे वाले से भाग करेंगे 1372 से 196 को भाग करेंगे तो आ जाता है हमारा कितना आंसर, 28, 4×7 इसका यही होता है, ये आ जाएगा ये 28, सही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है 28। दीवार पर लगे एक चित्र को देखकर राम ने बताया कि इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, राम का वृद्ध से क्या संबंधित है। राम ने बताया कि इस वृद्ध व्यक्ति का मेरा पुत्र है, ये वृद्ध व्यक्ति है बी, मान लीजिए बी वृद्ध व्यक्ति, आइए है राम, आइए इसका पुत्र है राम का पुत्र, राम का पुत्र पी हो जाता है। राम का पुत्र का चाचा राम का वृद्ध से क्या संबंधित है बताइए, राम से संबंधित क्या होगा इसके पिताजी। ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी स्थान पर उचित विकल्प का चयन कीजिए, इसमें ये हुआ है कि 7+2 9 हुआ नीचे, और उसके बाद 7-2 = 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये पावर सेम
नीचे का घास सेम है तो पावर जुड़ जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। 8 3 + 2 ब्रैकेट में माइनस 5 5 है, ब्रैकेट लग गया। ए 5 मान लीजिएगा, माइनस 5, ये तो 5 हो गया, प्लस करने से 8, ए माइनस 5 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 8। सही ऑप्शन हमारा 8 होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 8। जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।